Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो भाई अब हम निकल चुके हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करके अपनी दूसरी मंजिल की ओर। तो अभी हमारी ट्रेन को आने को थोड़ा सा वक्त है, अभी तक तो कोई प्लेटफॉर्म पे भी नहीं लगी, तो ये सारे बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लगेगी। बट यहाँ पे मौसम थोड़ा अजीब सा हुआ पड़ा है, लगता है कंफर्म बारिश होगी, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, काफ़ी तेज़। खतरनाक तूफान आया है जम्मू कश्मीर में। हम लोग जम्मू तावी स्टेशन पे और वहाँ पे बहुत खतरनाक तूफान आया है, सारे लोग इधर उधर हो गए, सबके सामान इधर इधर हो गए। हम देखो क्या कर रहे हैं, फटाफट फटाफट सारे सामान लेके भाग रहे हैं। अरे बारिश भी आ गई, बारिश, भागो भागो बारिश आई, सामान मारो बैग दे। अरे तुम चलो हम सामान लेके आते हैं। अरे बारिश, मारो फोन। मौसम ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ठंडी से हवा ठंडी कर दी, फिर बारिश कर दी, फिर आंधी आंधी आ गई, आंधी आ गई, आंधी 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 आंधी, इतनी तेज बारिश, इतनी तेज बारिश, अभी तक पूरा सूखा था और अभी इतनी तेज बारिश हो गई। हम सबको फटाफट सामान लेके भागना पड़ा, मौसम खराब हो गया। और रेशमा बोल भी रही थी बारिश होगी। ओ भाई बारिश तक तो ठीक था, अभी तो बर्फ के छोटे छोटे ओले भी गिर रहे हैं, खतरनाक मौसम हो गया भाई 2 मिनट में। तो बस मज़ेदार ट्रेन का सफ़र निकाल के ही हम आ पहुँचे हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन में। तो अभी हम ऑटो वगैरह देखेंगे और हम सारे निकल पड़े। तो हम तो अमृतसर आ गए, हम तो दरबार साहब आ गए, हमारे साथ साथ जम्मू तवी का तूफान भी हमारे साथ ही आया है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने आप को हवा के चक्कर में चादर से लपेट लिया है और यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। हम सारे लंगर साहब के बाहर बैठे हैं, रूम के चक्कर में चाचा और सिमरन दीदी गए रूम देखने, होप मिल जाए क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ है, यहाँ भी कन्फर्म बारिश होगी, हवा तो है ही है, बिजली भी कड़क रही है, तो होप जल्दी रूम मिल जाए। तो चलिए भैया रूम हमको मिल गया है, अभी फिर से हम सामान उठाते हैं, चले चलते हैं अपने ठिकाने पर। तो बस ये है हमारा रूम और मैं रूम दिखाती हूँ। आधे जने जा चुके हैं, ये आधे जने दर्शन करके आ चुके हैं, अभी हम बाहर चलते हैं। ये बाहर का व्यू है, ये एंट्रेंस। तो अभी हम सारे रेडी हो चुके हैं, हम आ चुके हैं अपने रूम के बाहर, मैं प्रीत सिमरन दीदी, पहले हम तीनों बाहर आए, कुछ खाएंगे फिर हम जाएंगे दर्शन करने, तब तक के लिए। तो फिर अभी हम आ गए हैं पानी पूरी खाने, बढ़िया वाली। तो बस फटाफट पानी पूरी खाने के बाद हम चल पड़े हैं गोल्डन टेंपल के दर्शन करने। तो
तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, बस अभी हम दर्शन करेंगे। तो अभी हम लाइन में लग चुके हैं, बस दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है दर्शन के लिए, दोपहर के टाइम पे आएंगे इतनी भीड़ ही होती। तो बस अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं, अंदर फ़ोन कैमरा कुछ अलाउड नहीं था तो मैं शूट नहीं कर पाई, पर मैं बाहर के अच्छे अच्छे शॉट्स लेके डालूंगी। तिन सवारिया जिन सिरिया तिन सवारिया तन तन रामदास गुरु तन तन रामदास गुरु। तो अभी शाम के अरदास का टाइम है, भी अच्छे से अरदास वगैरह सुनने के बाद हम आ गए हैं अपने रूम में। अब हम रेस्ट करेंगे और कल हम अमृतसर एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं अपना व्लॉग यही एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।